हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे चैनल ग्रामर ऑफ साइंस में। आज मैं आपको कुछ बता रहा हूँ ट्रांसलेशन के बारे में। ट्रांसलेशन दैट इज़ द रूट ऑफ इंग्लिश, जो अंग्रेजी की जड़ है। अगर आप ट्रांसलेशन जानते हैं तो आप सब कुछ जानते हैं। इफ़ यू हैव व्यूज़, अगर आपके कुछ व्यूज़ हैं तो आप उनको अपने ट्रांसलेट करके अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। आप उसको फिर कोई भी टेक्स्ट, आपको कोई भी क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ट्रांसलेशन अगर आप पक्का कर लेते हैं आपको कोई भी चीज़ रटनी नहीं पड़ेगी। बस ट्रांसलेशन की टेक्निक होनी चाहिए। तो ट्रांसलेशन में आपको दो चीज़ें देखनी होती हैं। पहली चीज़ तो है टाइप ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस किस तरह का हो। ये तो आपको मालूम ही होगा कि असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव, ये पांच तरह के सेंटेंस होते हैं। असर्टिव माने साधारण वाक्य, इसमें अफर्मेटिव निगेटिव आते हैं जिन्हें सब्जेक्ट पहले आता है। इंट्रोगेटिव जिनमें व्हाट, वेयर आता है या डू डज, हेल्पिंग वर्ब लगी होती है, ये पहचान होती है। इम्परेटिव में वर्ब का सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म आता है या फिर डू नॉट, डज नॉट से शुरू होते हैं, डू नॉट से शुरू होते हैं। एक्सक्लेमेटरी में जो है ओह, आहा, हुर्रा, वेल डन, इस तरह के आश्चर्यजनक शब्द जिनमें प्रशंसा करी गई हो, आश्चर्य सडन फीलिंग हो, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऑप्टेटिव इच्छा सूचक होते हैं, ये मे से शुरू होते हैं। तो पहली चीज़, क्योंकि इनके अनुसार कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच पहले वर्ब आएगी कि पहले सब्जेक्ट आएगा, तो इसलिए ये जानना जरूरी। इनका सिस्टम अलग अलग होता। दूसरी चीज़ होती है टेंस, टेंस जानना। अगर टेंस, क्योंकि टेंस 12 होते हैं, 12 टेंसों की हेल्पिंग वर्ब्स अलग अलग होती हैं। अगर आप अलग अलग इनको हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे, जान नहीं पाएंगे, तो आप इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इनको आइडेंटिफाई करना मतलब टेंस को पहचानना, इसके लिए कुछ नियम हैं। पहले तो आपको मालूम होना चाहिए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीन ही टेंस मुख्य रूप से होते हैं। फिर इसमें है, हो, हूँ और हैं, ये शब्द लगे हों तो प्रेजेंट टेंस पहचान होती है। था, थी, थे लास्ट में लगा हो तो ये पास्ट टेंस की पहचान होती है। गागी के लास्ट में लगा हो तो फ्यूचर पहचान होता है। जनरली ये जाना जाता है, लेकिन कभी कभी पास्ट टेंस में था, थी, थे नहीं भी लगा होता है। तो आपको जानना चाहिए, आपको सेंस समझना चाहिए कि वाक्य किसी से, वह गया तो इसमें कभी कभी वह गया था हिडन होता है, छुपा होता है, लिखा नहीं जाता, तो भी आप समझ लें ये पास्ट टेंस की है। तो हा शब्द अगर लास्ट में आए, पहले लास्ट में आए प्रेजेंट आएगा, था, थी, थे आए या गया, रहा, इस तरह से होगा तो पास्ट होगा, फ्यूचर में गागी के लगा होगा। इसके अलावा अब हर टेंस की चार काइंड्स होती हैं, जैसे कि एक बाप के चार बेटे होते हैं, वैसे चार काइंड्स होती हैं हर टेंस की। तो इनडेफिनिट और कंटिन्यूअस और परफेक्ट, और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चार टेंस होते हैं। तो कंटिन्यूअस की पहचान तो रहा, रही होता है, फ्यूचर परफेक्ट की चुका, चुकी होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कभी कभी उन्होंने खा लिया है, चुका है नहीं आया, फिर भी परफेक्ट टेंस है। तो इसका सेंस भी आपको समझना पड़ेगा, ये ज़रूरी नहीं है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय दिया होता है, कब से काम जारी है, रहा, रही भी होता है, और समय से कब से काम जारी, ये पता चलता है। और इंडेफिनिट, अगर इनमें से कोई नहीं है तो इंडेफिनिट है, रहा, चुका न होने पर, समय नहीं होने पर इंडेफिनिट। इंडेफिनिट माने अनिश्चित, मतलब इनमें जो काम प्रायः होते, अक्सर होते हैं,
उनमें ता है ती है लगा होता है, या जरूरी भी नहीं है ता है ती है इस तरह से होता है, या जो काम अक्सर होते हैं जैसे पक्षी उड़ते हैं, सूर्य निकलता है, तो ये सब जो अक्सर रोज ही एक रूटीन में कार्य होता है वो इनडेफिनिट होता है। तो इस तरह से केवल आपको पहचान के लिए आखिर में हा शब्द लगा है तो प्रेजेंट है, था थी थे लगा है तो पास्ट है, ये कि जरूरी नहीं हो सकता नहीं भी हो, गागे ये लगा है तो फ्यूचर टेंस होगा। इस तरह से आप पहले काइंड पहचानें, फिर उसके बाद ये पहले टेंस पहचानें, फिर उनकी चार काइंड्स होती हैं, इनको पहचानें कि ये डेफिनेट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूस है। जब आप पहचान करनी पक्की, फिर आपको एक चार्ट में बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, जो 12 टेंस की 12 हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होती है, लेकिन इनमें अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के रूल्स अलग अलग होते हैं, ये आपको रखना पड़ेगा। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब मालूम है तो असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए नियम होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, फिर वर्ब, वर्ब में हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर वर्ड्स आते हैं, अन्य शब्द आते हैं। लेकिन अगर आपका सेंटेंस निगेटिव है तो निगेटिव होने पर नॉट निगेटिव वर्ड कहेगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएगा, हमेशा याद रखिए। तो ये फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट, दूसरे पे हेल्पिंग वर्ब, तीसरे नंबर पे नॉट निगेटिव वर्ड, चौथे पर मेन वर्ब, पाँचवें पर ऑब्जेक्ट और छठे पर अदर वर्ड्स, अन्य शब्द, जैसे किसी के साथ है या आज है कल है, इस तरह से ये क्रम अगर आप याद रखेंगे तो आप ट्रांजिशन बना लेंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ, सुभाष सुबह से पढ़ रहा है, तो है से आपको पता चला प्रेजेंट टेंस है, रहा से पता चला कंटिन्यूअस है, लेकिन इसमें सुबह से समय भी दिया है तो ये परफेक्ट की ओर इशारा करता, तो आपका टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे सुभाष, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आपकी, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज बीन हैव बीन लगती है तो हैज बीन, हैज बीन, ठीक है, और फिर उसके बाद में पढ़ रहा उसका हैज निगेटिव तो है नहीं जो नॉट लगेगा, तो हैज बीन और आईएनजी फॉर्म रीडिंग, इसमें फिर क्या पढ़ रहा है ये पता नहीं चल रहा, ऑब्जेक्ट नहीं है, अन्य शब्द में है सुबह से, तो वो से के लिए सिंस आता है, सिंस मॉर्निंग। सिंस और फार के प्रयोग में ये ध्यान रखते हैं, अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो पीरियड ऑफ टाइम है तो फार लगाएंगे, और पॉइंट ऑफ टाइम है मतलब समय की ओर इशारा किया जा रहा है सीधे समय का नाम, मॉर्निंग से 4 बजे से सन 1991 से, इनमें सिंस लगता है, अवधि जब पीरियड होती है तो फार लगता है। तो कोई भी टेंस हो, अगले दिन वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा किस टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब होती, 12 टेंसों की हेल्पिंग वर्ब मैं आपको लिख दूंगा तो आप याद कर लीजिए। लेकिन पहली चीज़ है पहचान, आइडेंटिफाई अगर आप कर लेते हैं तो आप टेंस को ट्रांसलेट कर भी लेते हैं। इसलिए पहले सबसे पहले दो चीज़ें ध्यान रखिए, अपने आप हिंदी में सेंटेंस लिखें, उसको पहचान करें टाइप क्या है सेंटेंस की और उसकी टेंस क्या है, जब आइडेंटिफाई हो उसके हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब ही अलग होती, बाकी सब चीज़ें वही होती हैं, याद करिए।